हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बाजार। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग करेंगे जीके जीएस के क्वेश्चन को। और ये जो जीके जीएस का क्वेश्चन है, जो कल आपका ऑल इंडिया मॉक टेस्ट पर हुआ था टेस्ट बुक पर, उसी के क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो अगर आपने कल ऑल इंडिया मॉक टेस्ट पर नहीं दिया था, तो उसी के क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पास देख सकते हो कि किस तरीका से आपको पूछा गया था। और अब तो आप वो टेस्ट को नहीं दे पाओगे, क्योंकि अब वो आपका पेड सब्सक्रिप्शन में चला गया। केवल 2 दिनों के लिए था, जिसको काफी लोगों ने आपका टेस्ट दिया था। तो उसी के क्वेश्चन मैं आपको आज की वीडियो में दिखाऊंगा, ठीक है? तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा फ्रेंड मेरा आज का पहला क्वेश्चन। तो आपको पता हो आपको क्या करना है। यहाँ पर टोटल मैं आपको 40 क्वेश्चन दिखाऊंगा। इसमें से देखना है कि आप कितना क्वेश्चन का सही जवाब दे पाते हो। लास्ट में मुझे कमेंट करके बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। करंट अफेयर से पूछा गया था, मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना किस राज्य ने शुरू की है? विच स्टेट हैज लॉन्च द मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना? तो आपको पता होना चाहिए, ये हाल ही का न्यूज है। तो किसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, मध्य प्रदेश का द्वारा ये आपका योजना शुरू की गई थी, ठीक है? जिसमें आपको पता होगा 100 डेज का जॉब की गारंटी मिलती है, जो भी आपका इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोग हैं उनके लिए, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी देख सकते हो। यहाँ पर आपसे पूछा गया था, रिसेंटली एन इंडियन सिटी हैज बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, इट इज। तो आपसे पूछा गया था, हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को का विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो आपको पता होगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आपका अपकमिंग एग्जाम जो भी बनेगा उसमें क्वेश्चन ये आपका फिक्स है, मतलब फिक्स है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जयपुर, राजस्थान का, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको भी देख सकते हो। यहाँ पर आपसे पूछा गया था, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू क्रॉस द अटलांटिक ओशियन सोलो इन अ लाइट स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट? तो ये आपसे पूछा गया था, एक लाइट स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट में अटलांटिक महासागर को पार करने वाली पहली महिला कौन बनी? तो ये भी आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आरोही पंडित, जो कि आपका फ्लाइट लुटिनेंट है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, जो कि चंडीगढ़ से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको भी देख सकते हो। यहाँ पर आपसे पूछा गया था, कंधमाल हल्दी को GI टैग मिला है, इसका उत्पादन निम्न में से किस भारत के राज्य में होता है? तो मतलब आपसे पूछा गया सिंपल सा, कंधमाल हल्दी जिसको ज्योग्राफिकल टैग मिला है, तो वही पूछा कि कौन सा ये आपका स्टेट से है? तो आपको पता होना चाहिए, ये भी आपका हाल ही में इसको GI टैग का ये मिला था, मतलब बोलते हैं भौगोलिक संचालक। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये जो आपका कंधमाल हल्दी है, तो वो है आपका उड़ीसा का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ेंगे। फिलहाल ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी देख सकते हो। यहाँ पर आपसे पूछा गया था, विच फ्रीडम फाइटर ऑथर्ड द फेमस स्लोगन फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई सेल हैव इट? मतलब किस स्वतंत्रता सेनानी ने प्रसिद्ध नारा, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा? तो ये आपका किसने ये आपका स्लोगन दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी देख सकते हो। यहाँ पर आपसे पूछा था, लोकप्रिय बाघ गुफा चित्र डैश में है, मतलब द पॉपुलर बाघ के पेंटिंग आर फाउंड इन? तो आपका कौन सा राज्य में है लोकप्रिय बाघ, मतलब आपका? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वन, मध्य प्रदेश में है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर आपसे पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज इट होम इन सुंदरबंस? तो आपसे पूछा था, सुंदरवन निम्नलिखित में किस जानवर का घर है? तो वो आपको पता होगा सुंदरवन जो आपका वेस्ट बंगाल में, तो वो कौन सा जानवर वहां पास आपका रहते ज्यादा है, ठीक है? मतलब किस जानवर को वहां पास रखा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? रॉयल बंगाल टाइगर। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी देख सकते हो। यहाँ पर आपसे पूछा था, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2019 वॉज ऑब्जर्व ऑन 21 मार्च विद द थीम टू रेज अवेयरनेस ऑन हाउ सस्टेनेबली मैनेज फॉरेस्ट प्रोवाइड अ वाइड अरे ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर आपसे केवल पूछा था, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट जो आपका 2019 का था, उसका थीम क्या था, ठीक है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वन और शिक्षा, यानी फॉरेस्ट एंड एडुकेशन, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बढ़ेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी देख सकते हो। यहाँ पर आपसे पूछा था, निम्नलिखित में कौन फरवरी 2019 में भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी? समझ गया क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट वुमेन फ्लाइट इंजीनियर ऑफ IAF इन फरवरी 2019? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हीना जायसवाल,
जो कि आपका मुंबई से है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ेंगे, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बता सकते हो। यहां पर आपसे पूछा गया था विच स्टेट हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ रिफिलिंग एलपीजी अंडर द उज्ज्वला स्कीम, आपसे पूछा था उज्ज्वला योजना के तहत किस राज्य में एलपीजी रिफिलिंग का दर सबसे अधिक है, तो ये आपका कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक है। हालांकि देखोगे तो उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, तेलंगाना, ये चारों राज्य में आपका सबसे ज्यादा आपका फिलिंग था, मगर सबसे ज्यादा अगर की बात करेंगे तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, दिल्ली में सबसे ज्यादा थी, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, फिलहाल ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी देख सकते हो। यहां पर आपसे पूछा था बैक्टीरिया, ठीक है, मतलब बैक्टीरिया की खोज किसने की, हु डिस्कवर बैक्टीरिया, तो आपका क्वेश्चन ये है, तो इसका आंसर बताओ क्या होगा। तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा आपका एंटोनी वॉन ल्यू वेन होक हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो रॉबर्ट कोच भी है, तो ये भी आपको पता होगा, यहाँ पर शायद कंफ्यूज हो सकते थे, तो रॉबर्ट कोच जो आपका ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया था उसका खोज आपका रॉबर्ट कोच ने की थी, ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर टू, एंटोनी वेन ल्यू वेन होक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ेंगे, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी दे सकते हो। यहाँ पर एक साइंस से क्वेश्चन पूछा गया था रेनबो इज अ फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ, तो मतलब इंद्रधनुष डैश के एक परिणाम स्वरूप बनता है, तो किसके कारण बनता है, तो आपको पता होना चाहिए, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीनों हो जाएगा, मतलब उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ेंगे, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी देख सकते हो। यहाँ पर आपसे पूछा गया था खारवेल द्वारा इनमें से किस धर्म का पालन किया गया था, क्वेश्चन समझ रहे हो, विच अमंग द फॉलोइंग रिलीजन वॉज अ पेट्रोनाइज बाई खारवेला, ठीक है, खारवेल, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जैन वाद, ठीक है, जैनिज्म, ऑप्शन नंबर वन करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ेंगे, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी देख सकते हो। यहाँ पर आपसे पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज इन अ पार्टीशन वॉल एज अ साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल, मतलब विभाजक दीवारों में निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग ध्वनि अवशोषक सामग्री के रूप में किया जाता है, तो ये कौन सा चीज है जिसका कारण मतलब आपका साउंड को एब्जॉर्ब करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, ग्लास वूल, मतलब कांच की रुई, ऑप्शन नंबर फोर्थ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहां पर आपसे पूछा था आमतौर पर, ठीक है, आमतौर पर धन विद्युतीय तत्वों का संयोजकता डैश होता है, तो मतलब आपसे पूछा था जनरली द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलिमेंट इज, तो आपसे पूछा था जनरली जो आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलिमेंट होता है उसकी वैलेंस सेल, मतलब जो वैलेंस सेल पे होता है वो कितने का होता है, ठीक है, जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूंगा सोडियम, सोडियम 11 नंबर पे होता है, तो इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किस तरीके से करोगे, दो आठ, आठ के बाद क्या करोगे, एक करोगे, तो ये क्या होता है, सोडियम आपको पता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है क्योंकि ये आपका एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, बात समझ रहे हो, तो जनरली कितना होता है जो आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कहलाता है, तो आपको पता होगा एक हो तो भी वो आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहलाएगा, जब दो हो तो भी आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहलाएगा जैसे मैग्नीशियम, या फिर तीन हो तब भी वो आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कहलाएगा, मतलब आपका क्या एल्युमिनियम, मतलब सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम क्या है, वो आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है क्योंकि वो आपका जो भी आपका उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपका इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है, वो आपका डोनर है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, एक दो तीन उसके वैलेंस सेल पे होने चाहिए, ठीक है। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन बनता है। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी देख सकते हो। यहाँ पर आपसे पूछा था व्हाट इज द आयुपिक नेम ऑफ, तो आपसे पूछा था इसका आयुपिक नेम बताओ, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, आयुपिक नेम इसका बताना था, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये सी एच है जो बॉन्ड है वो सी एच बॉन्ड इस पे लगेगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपका फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा आपका टू मिथाइल ब्यूटेन, टू मिथाइल ब्यूटेन, क्योंकि ये जो आपका मिथाइल है वो दो नंबर पे रहेगा, ठीक है, यहाँ पर समझा दे रहा हूँ, बेसिकली ये दो नंबर पे रहेगा, तो टू मिथाइल ब्यूटेन अगर आपको आयुपिक नेम निकालना आता है तो, ठीक है, और अगर मैं बात करूं टू मिथाइल ब्यूटेन को ही बोलते हैं आइसो पेंटेन, ठीक है, आइसो पेंटेन इसका दूसरा नाम होगा, पेंटेन पे कंफ्यूज मत खाइएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका C5H12 ये आपका क्या होता है, पेंटेन होता है, मगर यहाँ पास आपका आयुपिक नेम इसका पूछा है, स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, टू मिथाइल ब्यूटेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ेंगे, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी देख सकते हो। यहाँ पर आपसे पूछा था निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा तारामंडल है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था, तो इसका आंसर यहाँ पास क्या होगा, हाइड्रा, ऑप्शन नंबर सेकंड, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं,
ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भी देख सकते हो। यहाँ पर आपसे पूछा था इन विच अमोंग द फॉलोइंग कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इज द गिब्सन, मतलब गिब्सन डेजर्ट सिचुएटेड, मतलब जो आपका गिब्सन आपका मरुस्थल विश्व के निम्नलिखित में से किस महाद्वीप पे स्थित है, तो आपका कौन सा देश में, मतलब आपका कौन सा कंटिनेंट में ये आपका सिचुएटेड है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर बताओ इसका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी देख सकते हो। यहाँ पर आपसे पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री सेलिब्रेट 14 जुलाई एज इट्स नेशनल डे, तो आपसे पूछा था किस देश ने 14 जुलाई को अपने राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, तो ये आपका कौन सा आपका ये कंट्री है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा फ्रांस, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, इसको आप लोग टेस्ट के तौर पे लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा गया था अमोंग द फॉलोइंग विच एनिमल इज द बंदीपुर नेशनल पार्क फेमस फॉर, तो आपसे पूछा सिंपल सा बंदीपुर नेशनल पार्क, ठीक है, ये जो आपका नेशनल पार्क है जो कि कर्नाटका में स्थित है, तो आपसे पूछा था ये किसके लिए फेमस है, ये है आपका क्वेश्चन, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, ये इसका आंसर होगा टाइगर, क्योंकि आपका यही जो बंदीपुर नेशनल पार्क है वो आपका टाइगर के लिए फेमस है, वहां पर टाइगर को रिजर्व करके रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी देख सकते हो। यहाँ पर आपसे पूछा था इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द नंदा देवी पिक लोकेटेड, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन फिर से स्टैटिक्स का, निम्नलिखित में किस राज्य में नंदा देवी पर्वत शिखर स्थित है, तो इसका आंसर क्या होगा, उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए और अपना जो इंडिया में सबसे बड़ा जो आपका पर्वत है वो कौन है, कंचनजंगा, ठीक है, भूलिएगा मत, पूरे वर्ल्ड में तो आपको पता होगा माउंट एवरेस्ट। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देख सकते हो। यहाँ पर आपसे पूछा था डैश में बेंजोइक अम्ल मौजूद होता है, तो मतलब बेंजोइक एसिड इज प्रेजेंट इन, तो आपका बेंजोइक एसिड किस में रहता है, गेहूं, घास, सेब, दही, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या होगा, ग्रास, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अब देखो क्वेश्चन ऐसा भी बनता है, आपसे पूछा जाता है, क्योंकि प्रीवियस का क्वेश्चन मुझे याद है ग्रुप डी का, पूछा गया था वेट में कौन सा आपका एसिड होता है, ठीक है, तो गेहूं में, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, आपको पता होना चाहिए ग्लूटामिक एसिड होता है वेट में, और एप्पल में तो आपको पता होगा मैलिक, कर्ड में तो लैक्टिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ेंगे, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देख सकते हो। यहाँ पर आपसे पूछा था पिनाका इज अ मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रोड्यूस बाय, मतलब पिनाक किसके द्वारा निर्मित एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, क्वेश्चन ये है आपका, तो आपका कौन किसका ये मल्टी आपका बैरल रॉकेट लॉन्चर है, तो ये आपका डीआरडीओ का है, ठीक है, क्योंकि इसरो का इस तरीका से आपका नाम नहीं रहता है, ठीक है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते तो आपका आंसर हो जाता है, क्योंकि CSIR और हॉल तो होता नहीं है, यहाँ पर इसका आंसर क्या होता है, या तो कंफ्यूजन आपको यही दो में रहता है, तो आपको पता होना चाहिए DRDO इस तरीका का नाम रखता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पर आपसे पूछा था फूलों के अध्ययन को डैश कहा जाता है, द स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड, तो क्या होगा, फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ेंगे, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देख सकते हो। यहाँ पर आपसे पूछा था विच चैम्बर ऑफ अ ह्यूमन हार्ट हैज द थिकेस्ट मसल, मतलब मानव हृदय के किस कक्ष की मांसपेशी सबसे मोटी होती है, ये आपका क्वेश्चन, तो सबसे मोटी कौन सी होती है, तो आपको पता होगा आपके दो होते हैं चैम्बर, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, ठीक है, तो यहाँ पास आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसका जो मसल्स होती है वो आपका बहुत थिकेस्ट होती है, मतलब मोटी होती है, मतलब इसका आंसर क्या होगा, बाया निलय, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देख सकते हो। यहाँ पर आपसे क्या पूछा, डैश इज द ओर ऑफ लीड, मतलब आपसे पूछा है डैश सीसा का आयसक है, तो ये किसका ओर है, तो इसमें भी एकदम डाउट नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर गैलिना, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, पीबी। चलिए अब बॉक्साइट का तो आपको पता होगा एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का ओर बॉक्साइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पर आपसे पूछा था अभिजीत गुप्ता निम्न में से किस खेल से संबंधित है, तो आपसे पूछा अभिजीत गुप्ता रिलेटेड टू विच गेम, तो यहाँ शतरंज, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, हॉकी, तो यहाँ पर इसका आंसर बनेगा चेस, क्योंकि वो शतरंज के खिलाड़ी है।
अब देखो इस तरीके का क्वेश्चन आपको पता होगा ट्रेंड में एग्जाम में आजकल आपसे ये पूछ लिया जाता है कि ये खेल किससे संबंधित है, या फिर आपको कोई पर्सन का नाम देके पूछेगा ये पर्सन किस खेल से संबंधित है। तो मैं बोलूंगा रिसेंट में जो भी आपके स्पोर्ट्स इवेंट्स हुए हैं तो उससे आपको वो पर्सन के नाम पता होना चाहिए जो भी रिसेंट में आपके जिन भी पर्सन का नाम आया है। तो इनका अगर बात करेंगे अभिजीत गुप्ता भी अगर फरवरी में वो आपका चेस के में ग्रैंड मास्टर जीते थे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वहीं से क्वेश्चन ये आपका बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिलहाल तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप लोग इसको भी देख सकते हो। यहाँ पर आपसे पूछा गया था विच कंट्री डिड इंडिया कंडक्ट अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज संप्रीति 2019। तो आपसे क्या पूछा गया, सिंपल सा, भारत ने 2 मार्च से 15 मार्च तक संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 2019 का आयोजन किस देश के साथ किया। तो आपको सिंपल से पता होना चाहिए जो अपना भारत है वो संप्रीति आपका जो अभ्यास करता है वो किस देश के साथ करता है, तो आपका बांग्लादेश के साथ करता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखो मिलिट्री एक्सरसाइज की बात की गई है तो जो नेपाल के साथ अपना भारत करता है उसको हम लोग बोलते हैं सूर्य किरण, और आपका श्रीलंका के साथ जो करता है आपका मिलिट्री एक्सरसाइज उसको बोलते हैं हम लोग मैत्री शक्ति, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था, ये सब आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी देख सकते हो। यहाँ पर आपसे पूछा गया था 10 वाट की दर से 260 जूल कार्य करने में कितना समय लगेगा, मतलब हाउ मच टाइम इज नीडेड टू परफॉर्म अ 260 जूल ऑफ वर्क एट अ रेट ऑफ 10 वाट। तो आपको सिंपल सा पता है पी इक्वल टू क्या होता है, मेरा वर्क इनटू टाइम होता है। तो यहाँ पर आपको पावर दे रखा है, वर्क दे रखा है, आपसे केवल टाइम पूछा, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाई डब्ल्यू। अब यहाँ पर पावर कितना दिया हुआ, 260 जूल दिया हुआ, और आपका वर्क क्या है 10 से है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 26 सेकंड, ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप लोग इसको भी देख सकते हो। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया था, विच लॉ स्टेट दैट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम ऑफ बॉडीज द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स अनचेंज, मतलब कौन सा नियम कहता है कि जब तक कोई बाहरी बल वस्तु के प्रणाली पर कार्य नहीं करता तब तक प्रणाली का कुल रेखीय स्वयं अपरिवर्तित रहता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का ये आपका लॉ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फिलहाल ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी देख सकते हो। यहाँ पर आपसे पूछा गया था एकमात्र स्तनधारी कौन सा है जो उड़ने में सक्षम है, मतलब विच इज द ओनली मैमल कैपेबल ऑफ फ्लाइंग। तो देखो आपसे बात किया गया ओनली मैमल का बात किया गया जो आपका फ्लाई भी करता है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, चमगादड़, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी देख सकते हो। यहाँ पर आपसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज इम्प्लीमेंट द मिड डे मील स्कीम, मतलब इनमें से कौन सा मंत्रालय मिड डे मील योजना का लागू करता है। तो ये भी एकदम नॉर्मल सा एक बेसिक सा क्वेश्चन है, तो ये कौन सा आपका मिनिस्ट्री है, तो आपको पता होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, यानी इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसके अभी चेयरपर्सन कौन है, मतलब मिनिस्टर कौन है, रमेश पोखरियाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी देख सकते हो। यहाँ पर आपसे पूछा गया था अक्टूबर 2018 में भारत को डैश के अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया था। तो अब देखो ये भी करंट से क्वेश्चन है आपका, मतलब 18 से पूछा गया था कि 2018 में आपका जो इंडिया को चुना गया है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के लिए, तो वो कितने सालों के लिए चुना गया है, तो वो 3 वर्षों के लिए चुना गया है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपसे क्या पूछा, द टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग ऑफ इंडिया इज, तो सिंपल सा, भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक कैग का कार्यालय डैश का, तो आपको पता है उसका टेन्योर आपसे पूछा है, तो कितने सालों का उसका टेन्योर होता है सीएजी का, तो ये उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 6 साल का या फिर 65 साल का, आपका जो भी पहले हो जाए वो उसी में आपका रिटायर उनको लेना पड़ता है, ठीक है। 65 साल अगर पहले हो जाएगा तो उसका टेन्योर वहीं तक रहेगा, या फिर आपका 6 साल का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी देख सकते हो। यहाँ पर आपसे पूछा था निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा खाड़ी पर स्थित है, ये आपका क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज लोकेटेड ऑन अ इस्टोरी, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मुरमोगांव, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देख सकते हो। यहाँ पर आपसे क्या पूछा था, द इंडियन हु स्टार्टेड बचपन बचाओ आंदोलन एंड रिसीव द नोबल पीस प्राइज इज, मतलब पूछा था बचपन बचाओ आंदोलन शुरू करने वाले और नोबल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय डैश है, तो मतलब आपका उसका नाम पूछा, तो ये कौन थे आपका, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या बनेगा बताओ, तो इसका आंसर यहाँ पर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ, कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन नंबर फोर्थ, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ेंगे। फिलहाल ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देख सकते हो, ये आपका करंट से क्वेश्चन है, देख सकते हो। क्या पूछा आपसे, विच स्टेट हैज आनंदी बेन पटेल बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर। तो अभी आपको पता है, अभी हाल ही में, सिर्फ आपका कुछ दिन पहले की ही बात है। तो अभी आपका जो सारे गवर्नर थे आपके अलग अलग स्टेट के चेंज किए गए, सफल हो गए। तो वही पूछा, आनंदी बेन पटेल अब किस राज्य के राज्यपाल है, तो आपका किसके है, तो ये आपका अब आपका उत्तर प्रदेश के है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी देख सकते हो। यहाँ पर आपसे पूछा गया था, उस पुरस्कार की पहचान कीजिए जो श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन, नवीन क्षमता, उत्पादकता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान और असाधारण साहस और बुद्धि तत्परता के लिए मान्यता देता है। मतलब आपका पूछा कौन सा इस फील्ड में आपका, मतलब ये जो बताया गया आपका, वो इस फील्ड के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, ये आपका क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, श्रम पुरस्कार दिया जाता है आपका इसके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन और मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि 40 नंबर क्वेश्चन है। तो आप इसका भी आंसर देखते हो। यहाँ पर आपसे पूछा था, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011 व्हाट इज द चाइल्ड सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया। समझ गए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंग अनुपात क्या है। तो आपको पता होगा, ये भी चीज़ पता होना चाहिए, सेंसस से भी क्वेश्चन आपका बने हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सेकेंड, 909/1000, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। और आपको पता होगा ये 10 सालों में आपका ये सेंसक्स आपका होता है हर साल, ठीक है, मतलब 10-10 साल पे होता है। तो 2011 में हुआ था, तो उसके बाद 10 साल 2021 में होगा, ठीक है। तो ये था जो आपका 40 क्वेश्चन आपका पूछे गए थे टेक्स्ट बुक पे। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके कितने मार्क्स बने हैं इस 40 क्वेश्चन में, ठीक है। तो कमेंट करके मुझे बताना। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का सेशन पसंद आया, पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं, और चैनल पहली दफा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।